तो रैप बना लिया, अब इसका भी रैप बनाओ। हाँ कुछ बनाओ। नाश्ते में पास्ता, पास्ते में नाश्ता। मेरी चाय ठंडी हो गई, तुम्हारे पास्ता क्या? मैंने अपने गेमिंग का वो बना लिया। बर्थडे के दिन रचित को सुबह सुबह मिल गया उसका फेवरेट नाश्ता, यानी कि नाश्ते में पास्ता। और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वो वीडियोस लगाई जो मैंने रचित और अपनी बनाई है मदर्स डे पे, और रचित और रचित के पापा की बनाई है फादर्स डे पे। और हम तीनों ने बैठ कर उन वीडियोस को देखा और बहुत इमोशनल भी हो गए थे कि टाइम कितनी तेजी से बीतता है। हेलो, गुड मॉर्निंग माय कच्ची से कलम तक फैमिली। मैं हूँ रचना और आज है रचित का बर्थडे, और आप सबके आशीर्वाद और प्यार की उम्मीद और आशा के साथ आज की ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो सुबह सुबह ही बर्थडे का बेसिक प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दिया और अभी मैं बैठी हूँ कुछ गेम्स बनवाने के लिए। कि क्या होता है कि जो इनके मेरे हस्बैंड के स्टाफ और उनके बच्चे आते हैं तो मैं ऐसे गेम्स खेलवाती हूँ जो बच्चे और बड़े दोनों खेल सके। तो कुछ ऐसे चार पाँच गेम्स खेलवा रही हूँ, उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके बाद बलून लगाऊंगी, डेकोरेशन करूंगी। रचित को नहा धो के नए कपड़े पहना करके पूजा पे टीका कर दिया, जो कि हर घर में खानदानी परंपरा होती है, हम लोग को उसको फॉलो करना चाहिए। जितने लोग भी आ रहे हैं रचित उनका पैर छू के आशीर्वाद ले रहा है, सबसे वीडियो कॉल पर सुबह से बिजी है, आज उसको एकदम स्पेशल वाली फीलिंग आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। मैं पहले गेम्स भी शेयर करूंगी आपसे और बाकी प्रिपरेशन भी आपसे पूरा वीडियो में शेयर करूंगी। पहले मैंने बनाया है कॉर्नर गेम, म्यूजिकल कॉर्नर गेम होता है। उसमें क्या होता है, चार कॉर्नर बना देते हैं, चारों कॉर्नर का नाम रख देते हैं। जैसे मैंने इस बार चार कॉर्नर के नाम कलर्स के अकॉर्डिंग रखे हैं, ऑरेंज, रेड, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। और फिर म्यूजिक चलता है, सारे लोगों को डांस करना होता है, और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होता है किसी एक कॉर्नर पे जाकर के आपको खड़े होना पड़ता है, जो भी आपको कॉर्नर चूज करना है। एक कॉर्नर में कभी कभी 10 लोग खड़े हो जाते हैं, कभी 5 लोग खड़े हो जाते हैं। और फिर चार पर्ची होती है चारों कलर के कॉर्नर की। ये मैंने चार पर्ची चारों कलर के कॉर्नर की बनाई है। किसी बच्चे से एक पर्ची निकलवाते हैं, मान लीजिए निकल गया येलो का, ये रेड कलर का कॉर्नर, तो रेड कलर के कॉर्नर पे जितने लोग होंगे ना वो सब आउट हो जाएंगे। फिर रीस्टार्ट होता है, वैसे ही फिर से म्यूजिक बजेगा, फिर से सब लोग डांस करेंगे, फिर से चारों कॉर्नर पे सेपरेट खड़े हो जाएंगे, फिर चारों में से एक पर्ची निकलेगी। और इस बार अगर ऑरेंज कॉर्नर आ गया तो ऑरेंज वाले लोग आउट हो जाते हैं। इस तरह से करके लास्ट में जो बचता है वो जीत जाता है। तो म्यूजिकल चेयर की तरह ही गेम होता है, लेकिन एक ग्रुप गेम होता है, बहुत मज़ा आता है इसमें। तो पहला गेम मैंने यही बनाया है, अब मैं बना रही हूँ दूसरा गेम। दूसरे गेम में बच्चों के लिए बना रही हूँ अल्फाबेटिकल, उसमें क्योंकि बच्चों को पिक्चर के नाम उतने याद नहीं होते तो अल्फाबेटिकल लेटर से कुछ कुछ चीज़ें लिखूंगी और उसको एक्ट करके उन लोगों को बताना होगा। दूसरा गेम जो बनाया है ये अल्फाबेटिकल लेटर से बनाया है। इसकी पर्ची अभी काट करके फोल्ड कर दूंगी और ये पर्ची सबको उठानी होगी, बच्चे भी उठाएंगे। जैसे क्या होता है ना, हम लोग जब खेलते हैं अंताक्षरी या कुछ भी, तो पिक्चरों के नाम, तो आजकल बच्चों को उतने पिक्चर्स के नाम पता नहीं होते मूवीज़ के, तो मैंने इसीलिए अल्फाबेटिकल उसमें वर्ड्स लिखे हैं, बॉक्स, कंप्यूटर, ड्रम स्टिक, इनो, फॉरेस्ट, ग्रैप्स हैं। 26 लेटर से मैंने लिख लिए हैं, 25 लोग हैं ऑलमोस्ट, और जिसके लिए जो निकलेगा उसको एक्ट करके बताना है। यहाँ बस हेल्प ये होगा करना है कि फर्स्ट में बता देना है कि लेटर कौन सा आया है, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। जैसे आर से मैं बता रही हूँ और फिर रैबिट की तरह एक्ट करना है। बर्थडे का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है डेकोरेशन, और अगर आप सेल्फ से डेकोरेशन करना चाहते हैं, जैसे मैं सेल्फ डेकोरेशन करती हूँ हर बार बर्थडे में, घर में किसी का भी बर्थडे पड़ता है, तो उसमें सबसे टफ टास्क हो जाता है बलून फुलाना। लेकिन मुझे पता है कि हर बार मुझे सेल्फ डेकोरेशन भी पसंद है, तो मैंने पंप रखा हुआ है। मेरे पास जो पंप है वो एक फुटबॉल फुलाने वाला और एक साइकिल में हवा डालने वाला पंप है, वो बहुत अच्छा काम आ जाता है बलून फुलाने के लिए। और मुझे ना बलून फुलाने में वो धागे की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं बलून को डायरेक्ट ही बांध देती हूँ। तो इस बार कोई ऐसा थीम नहीं रखा था, जैसा कि जब भी मैं बर्थडे पार्टी करती हूँ तो रेड एंड ब्लैक या गोल्डन ब्लैक या रेनबो कलर ऐसा रख देती हूँ, ताकि जो भी स्टाफ के बच्चे आ रहे हैं ना वो उसी अकॉर्डिंग कपड़े पहन के आ जाएं, तो एक अच्छा थीम होता है। बट इस बार मैंने कोई थीम नहीं रखा, मुझे जो अवेलेबल हो गया बलून्स वो मैंने मंगवा लिया और उसको ही फुला दिया, उसी से डेकोरेशन किया। और जो डेकोरेशन का मेन था ना, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट था स्पीकर लगना। तो रचित के पापा लग गए स्पीकर के कनेक्शन के लिए,
क्योंकि बिना स्पीकर बिना म्यूज़िक के तो बर्थडे इनकम्प्लीट हो जाता है। हालांकि मैंने सोचा था कि अगर स्पीकर कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो मैं एलेक्सा लगा दूंगी, लेकिन स्पीकर कनेक्ट हो गया। फाइनली रचित के पापा सक्सेसफुल हो गए स्पीकर कनेक्ट करने में और फिर मैं बाहर निकल गई डेकोरेशन के लिए। तो डेकोरेशन के लिए मैंने जो मंगवाया था ये एक झालर है, गोल्डन झालर। और वैसे मेरे पास क्या होता है, ऑलरेडी डेकोरेटिव आइटम्स जो डेकोरेशन के होते हैं ना वो मैं अपने पास रखती हूँ, जो भी बर्थडे में यूज़ करती हूँ उसको निकाल के फिर से वापस से झोले में करके रख देती हूँ। किसी ना किसी फेस्टिवल ओकेज़न में वो मेरे काम आ जाता है, क्योंकि मैं नवरात्रि, जन्माष्टमी, न्यू ईयर, ऐसा जो भी ऐसा कोई फेस्टिवल पड़ता है तो मेरी आदत है घर के बाहर छोटा मोटा सा फंक्शन करने की, सिर्फ फैमिली और स्टाफ के बच्चों के साथ। तो बस उसी के अकॉर्डिंग उतना ही डेकोरेशन रखती हूँ और वो हर बार मेरे काम आ जाता है। फिर ये बर्थडे वाला ये निकाला जब मैंने तो देखा इसमें तो धागे के अंदर डाल के पिरोना था। मुझे लगा बना बनाया हैप्पी बर्थडे आएगा, मैं सीधे हैंग कर दूंगी, बट इसको पिरोना था। तो फिर मैंने हेल्प ली और हैप्पी बर्थडे को टांगा और ये एक तरफ मैंने सेल्फी पॉइंट जैसा बनाया। इसमें वही सारे आइटम्स लगाए हैं जो पिछले कई पार्टीज़ में मैं अपने घर पे लगाती आ रही हूँ। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स के पेज पर ड्रॉ किए हुए पिक्चर्स हैं, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, मैसेंजर है, ट्विटर है, और साथ ही साथ स्माइलीज हैं, इमोजीज हैं जो आजकल के ट्रेंड को फॉलो करता है। तो उन सबको मिला के बीच में रचित की बचपन की फ़ोटोज़ थी, उसको प्रिंट आउट निकाल के चारों तरफ गोल्डन सेलो टेप लगा के फ्रेम जैसा बना दिया और इस तरह से एक प्रॉपर सेल्फी पॉइंट बन गया। हालांकि यहाँ पे मुझे वैसा कोई जगह नहीं मिल पाया जहाँ मैं खूब अच्छे से डेकोरेट कर सकूँ। कॉलोनी में रहते हैं एक तो, और दूसरा इसलिए मैंने टाइमिंग भी ना बर्थडे का शाम को 4 से 6-7 बजे तक का अराउंड रखा ताकि रोशनी में ही पार्टी को ख़त्म कर दें, क्योंकि जब आप सेपरेट रहते तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट जब कॉलोनी में रहते हैं ना तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि स्पीकर वॉल्यूम तेज रहेगा, और भी लोग रह रहे हैं, डेकोरेशन भी उसी अकॉर्डिंग करना पड़ता है। क्योंकि ये जो जगह है जहाँ बरामदा है ये 4 लोगों का कॉमन बरामदा है, क्योंकि 4 लोगों का फ्लैट है। तो और मुझे बाहर करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में क्या होता है बहुत ज़्यादा कहते हैं भीड़ भाड़ से बच्चे भी इंजॉय नहीं कर पाते उतना स्पेस में, ओपन में बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। और स्टाफ भी आ रहा था इनका, जो उनके गनर हैं, इनके ड्राइवर। इस तरह से मेरा प्यारा सा सेल्फी पॉइंट तैयार हो गया और मेरे पास इमोजीज भी बलून मुझे इस बार मिल गया। इत्तेफाक था कि मेरे पास इमोजीज चार्ट पे अच्छा, मैंने काट काट के जो बनाया था उससे मैंने सेल्फी पॉइंट बना दिया और इमोजीज के जो बलून थे उससे चारों तरफ डेकोरेट कर दिया। इतने क्यूट लग रहे थे इमोजीज के बलून। वैसे आपके घर में कोई भी बर्थडे पार्टी पड़ती है, अगर घर पे सेलिब्रेट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप करते हैं, प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे ना ऐसे आइडियाज़ बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जब किसी और से मुझे और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं उसको करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ करते करते मुझे भी बोरियत हो जाती है और जिनके लिए पार्टी कर रही हूँ उनके लिए भी बोरियत हो जाती है। तो मैं अगली बार फिर कुछ नया सोचूंगी करने के लिए और इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे बर्थडे पार्टी से रिलेटेड आइडियाज़ दीजिए, क्योंकि मेरे बर्थडे पार्टीज़ में ना डेकोरेशन होता है, खाना पीना होता है जो सभी के में होता है, लेकिन मेरे बर्थडे पार्टीज या कोई भी गेट टुगेदर पार्टी जो भी होती है उसमें गेम्स बहुत होते हैं और जिस एज ग्रुप के लोग होते हैं उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग गेम्स मैं रखती हूँ। जैसे ये बच्चों की पार्टी थी लेकिन कुछ बड़े भी आ रहे थे, इनके स्टाफ और हमारे पड़ोस में जो रहती है वो, तो उनके अकॉर्डिंग बड़े और बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने 5 गेम्स बनाए थे और सबने बहुत इन्जॉय किया। मतलब इतना इन्जॉय किया ना कि खाने का ध्यान ही नहीं रहा कि हमें खाना भी है और केक कटिंग भी कराना, सीधे सब गेम्स ही खेलते जा रहे थे। वो गेम, वो जो पूरा पार्टी का सेलिब्रेशन है उसकी ब्लॉग मैं नेक्स्ट शेयर करूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बड़े सारे आइडियाज़ मिलेंगे और बहुत मज़ा भी आएगा। फिलहाल मैं बलून को चिपकार के डेकोरेशन कर रही थी और उसी दौरान ब्रम ब्राम बलून फूटते भी जा रहे थे क्योंकि बाहर धूप थी, पता नहीं धूप की हीट से या किस कारण से। हालांकि पता है यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि शाम तक ना 4 बजे के बाद बादल अच्छे से लग जाते हैं और मौसम बहुत कूल हो जाता है, इसलिए भी मैंने बाहर का रखा है क्योंकि गर्मी तो ऐसी है नहीं कि बाहर किसी को गर्मी लगे। तो फाइनली मेरा डेकोरेशन देखिए ये हो गया पूरा स्माइली इमोजीज से, और एक साइड सीढ़ी था तो सीढ़ी पे भी मैंने लगा दिया था बलून और एक साइड सेल्फी पॉइंट बना दिया। सारे चेयर्स लगा दिए बच्चों के लिए, कलरफुल मोढ़े लगा दिए, एक बेंच जैसा टेबल है लंबा सा, गॉप सरकारी ही है, उस पे मैट बिछा करके रख दिया खाने पीने के लिए, गेम्स का सारा अरेंजमेंट कर दिया। और फिर मैं आ गई अपने अगले टारगेट की तरफ जो कि है खाना। तो खाने में मैंने जो मोमोज और चाउमीन है वो बाज़ार से मंगाया क्योंकि डेकोरेशन और सारी तैयारी भी मुझे ही करनी थी और 25 लोग थे ऑलमोस्ट, तो मैंने इसलिए हाफ चीज़ें जो बच्चों वाली चीज़ें थी वो बाज़ार से मंगा लिया और जो बाकी 2 आइटम थे समोसा और छोला वो घर पे बना लिया। तो छोला मैंने बहुत ज़्यादा भिगाया था काबुली चना का और मेरे पास अब इतने बड़े बड़े बर्तन है नहीं, पहले थे तो मैंने वो अपने गाँव भेज दिया। तो क्या किया मैंने, दोनों तरफ
कुकर चढ़ा दिया एक तरफ, दोनों जो बड़े साइज़ के कुकर थे वो, सरसों का तेल दोनों में एक अंदाज से डाल दिया, दोनों में बड़ी इलायची और दालचीनी का तड़का दे दिया। मतलब ये सारा मामला जो बन रहा है ना छोला, ये सिर्फ अंदाज पे बनता है। जब मैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इकट्ठे बनाती हूँ तो मैं बहुत सारा नाप तोल के सामान को नहीं डालती हूँ, वो मुझे आदत हो गई है तो मैं अंदाज से डाल देती हूँ। मैं बड़े बड़े भगोने में भी जब बनाती हूँ ना, बड़े बड़े पतीलों में, तो भी मैं अंदाज से ही डालती हूँ। इसके बाद मैंने दोनों में हींग का तड़का दे दिया और फिर दोनों में बराबर बराबर मात्रा में प्याज डाल दिया बारीक कटे हुए। तो प्याज जो है वो इस छोले का बेस था। आप ये चीज़ देखिएगा कि मैं छोले को भूनूंगी नहीं, ये बहुत अलग तरह से और इंस्टेंट बन जाता बिना किसी मेहनत के। फिर दोनों में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ढेर सारा डाल दिया और प्याज हो गया, लहसुन अदरक हो गया, हींग का तड़का हो गया ताकि गैस ना बने, एसिडिटी ना बने, डाइजेस्ट हो जाए, और बड़ी इलायची और दालचीनी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मुझे सबसे पहले डालना था इसमें नमक, तो दोनों में फटाफट से नमक डाल दिया। और अब मसाले, तो मसालों में थोड़ा थोड़ा हल्दी पाउडर, ज़्यादा हल्दी इस छोले में नहीं डालते हैं, ये ब्लैकिश छोला होता है। फिर दोनों में थोड़ा थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और ढेर सारा धनिया पाउडर डाल दिया। धनिया पाउडर से ग्रेवी जो है वो गाढ़ी होती है और छोले का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कम डाला क्योंकि बच्चों को खिलाना था और जब बच्चे ही नहीं इंजॉय कर पाएंगे तो खाने बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा ज़ीरा पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर डाल दिया, ऊपर से छोले मसाले डाल दिए। आप देख रहे होंगे मैं किसी में चम्मच का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सब बिल्कुल अंदाजे से पड़ा है। और दोनों में मैंने गरम मसाला पाउडर, घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल दिया। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया ताकि रंग अच्छा आ जाए। तो इस तरह से हल्दी, लाल मिर्चा, गरम मसाला, छोले मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ये सारे मसाले जो कॉमन मसाले थे वो डाल दिया। भिगोए हुए छोले थे उसको पानी निकाल के, मैंने छोले को उबाला नहीं है, सीधे कुकर में बना रही हूँ बिना उबाले, लेकिन ये बहुत बढ़िया बनता है। आप ना इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। दोनों में छोले डाल दिए, हल्का हल्का मिक्स कर दिया, सारे मसाले पड़ गए, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट पड़ गया। अब सिर्फ एक चीज़ बची थी, वो एक चीज़ थी टमाटर का प्यूरी। तो मैंने मिक्सी के जार में पहले से ही ढेर सारा टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया था प्रिपरेशन के दौरान। अब दोनों में हाफ हाफ टमाटर का प्यूरी डाल दिया। अब लेकिन मुझे इसमें सीटी लगानी है, तो सीटी लगाने के लिए मुझे पानी डालना था। दोनों में ऊपर तक भर के जितनी भी सीटी की जरूरत हो उतना पानी डाल दिया। और छोले चूँकि मैंने उबाले नहीं हैं और मेरे पास समय कम है क्योंकि 4:30 बजे पार्टी शुरू हो जाएगी और मुझे खुद भी तैयार होना था, और इस समय 3:30 बज रहे हैं तो सबके आने तक सब कुछ रेडी होना चाहिए। तो मैंने इसमें ऊपर से 2-2 चुटकी खाने वाला सोडा और ऊपर से थोड़ा छोला मसाला और छिड़क दिया ताकि जब मैं कुकर खोलूँ ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी। सिर्फ खोलने से ही नहीं, जब कुकर में सीटी हो रही थी ना तो बाहर तक पूरी खुशबू आ रही थी। सबने मुझे बताया कि अंदर से छोले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बस इसको मिक्स किया और ऊपर से सोडा खाने वाला डाल के कुकर को बंद करके मीडियम फ्लेम पर 5-6 सीटी लगाने वाली हूँ। 5-6 सीटी लगाने का फ़ायदा क्या होगा, एक तो सोडे के इफ़ेक्ट से छोले का काबुली चना जो है वो गल जाएगा, दूसरा कि प्याज बहुत अच्छे से गल के छोले में मटर उसमें काबुली चने में मिक्स हो जाएगा और ग्रेवी एकदम गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। ये वाला छोले की ग्रेवी ना थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी लटपटी सी अच्छी लगती है। और लो मीडियम फ्लेम पे सीटी लगाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो मसाले भूनने की ज़रूरत नहीं होती, मीडियम फ्लेम पे जब ये पकता है ना तो ऑटोमेटिक मसाला भून जाता है। आप एक बार इस तरह से सब कुछ डाल करके एक बार में ही और कुकर को बंद करके बना के देखिएगा। मैंने ऐसी एक कटहल की रेसिपी शेयर की, उसे बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि ये बहुत आसान है और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। तो इस तरह से एक बार आप छोले भी ट्राई करके देखिएगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी में सारा किचन वाइंड अप कर दिया क्योंकि मेरे साथ तो बड़ी एक प्रॉब्लम है कि मुझे चीज़ें फैली हुई नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी हड़बड़ी हो। जिस एरिया से मैं निकलूँ वो पूरा वाइंड अप करके क्लीन करके निकलूँ, चाहे डेकोरेशन एरिया से मैं निकली वहाँ भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया। बलून फूट गए तो वो सब झाड़ू लगा करके हटा दिया, चेयर्स लगा दिए, चेयर्स को पोछा। और चाहे मैं किचन से निकलूँ, चाहे मैंने जिस रूम में बलून फूलाया उसको भी क्लीन किया, सब चीज़ें प्रॉपर तरह से मैनेज करने के बाद ही मैं गई तैयार होने के लिए, और उसके बाद मैं भी रेडी हो गई। तो मैं हो गई हूँ रेडी, सारे गेम्स की तैयारी हो गई, रिटर्न गिफ्ट की तैयारी हो गई, खाने पीने की सब तैयारी हो गई। गेम्स पहले तो गेम्स खुलवाने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, केक भी हो गया, आप बस लोगों का इंतज़ार हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है 4:30 का टाइम तो सबको आते आते 5 बज ही जाता है, तो देखते हैं सब लोग आएंगे तो फिर पार्टी शुरू करेंगे।